हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप अच्छे ही होंगे। एक बार फिर स्वागत है अपने चैनल हेल्थ ज्ञान कास्ट 24 में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एल्सॉन एचटी क्रीम के बारे में। एल्सॉन एचटी क्रीम क्या होती है, इसके यूज़ क्या क्या होते हैं, इसके क्या साइड इफ़ेक्ट हैं और इसके क्या प्राइस हैं। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हर एक रोज की तरह एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा चैनल है हेल्थ ज्ञान कास्ट 24। इस चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना। सभी फ्रेंड्स आई हम्बल रिक्वेस्ट पर ही, सभी लोग जो देख रहे हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। फ्रेंड्स आई हम्बल रिक्वेस्ट पर ही। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, एल्सॉन एचटी क्रीम में पहले ये जान लेते हैं होता क्या क्या है। तो फ्रेंड्स, इसमें होता है हाइड्रोक्विनोन, रेटिनॉइन एंड मोमेटासोन फिरुनेट क्रीम, और इसमें कितनी कितनी मात्रा होती है तो वो भी जान लेते हैं। तो हाइड्रोक्विनोन फ्रेंड 2% होता है वेट बाई वेट, और ट्राइटोनियम होता है फ्रेंड 0.025 वेट बाई वेट, और मोमेटासोन फ्यूरिनेट होता है फ्रेंड 0.1% वेट बाई वेट, और इसमें मिथाइल पैराविन भी होता है 0.16 वेट बाई वेट, एंड प्रोपाइल पैराविन भी होता है फ्रेंड 0.033% वेट बाई वेट, और क्रीम बेस होता है इसमें क्वान्टिटी सफिशियंट। तो आइए फ्रेंड्स वीडियो में बताते हैं इसके यूज। तो फ्रेंड्स, इसके यूज होते हैं सबसे पहले जो हमारे लेडीज़ हों या फिर मेंस हों, दोनों के लिए है ये। कभी कभी क्या होता है, मेलाज्मा हो जाता है हमारी स्किन में, एक रोग हो जाता है मेलाज्मा नाम का। उसमें क्या होता है, हमारी स्किन में काली काली झाइयाँ बनने लगती हैं चेहरे पर, जैसे आइज़ के नीचे होने लगती हैं, और कभी कभी माथे पर भी होने लगती हैं, बिल चीक्स पे भी, गाल्स पे भी होने लगती हैं। तो ऐसी कंडीशन में आप इसका यूज करिएगा, वेरी इफेक्टिव है। मतलब एल्सॉन एचटी क्रीम बहुत इफेक्टिव है, और आपको पूरी तरह से दाग धब्बों को हटाने का पूरी मतलब मदद करेगी आपके दाग धब्बे हटाने में। तो इसका दूसरा यूज होता है फ्रेंड्स, क्या क्या होता है, कभी कभी प्रेगनेंसी में महिलाओं के प्रेगनेंसी टाइम पे आँखों के नीचे काले काले झाइयाँ टाइप की हो जाती हैं, उस टाइम पे झाइयों को भी हटाने में इसका काफ़ी यूज़ होता है, काफ़ी योगदान होता है फ्रेंड्स इसका, तो झाइयों को हटाने में। और इसका तीसरा यूज़ और है फ्रेंड्स, मतलब जो इन लोगों के पिंपल्स वगैरह हो गए हैं, मतलब फ्रेंड्स जो जिन लोगों को पहले पिंपल्स हुए थे, अब वो पिंपल्स तो चले गए हैं, बट उन पिंपल्स के जो दाग रहे हैं, काले काले दाग घेरे टाइप्स के जो निशान हैं, तो उन निशानों को भी घटाने में इसका काफ़ी मदद करता है ये क्रीम एल्सॉन एचटी। तो और इसका एक और यूज होता है फ्रेंड्स, जिन लोगों की जो चोट लग जाती है कहीं पर गाल पे या फिर माथे फाथे पे, फेस पे कहीं पे चोट के निशान हैं, तो उन निशानों को भी हटाने में काफ़ी मदद करता है, और आपकी स्किन एकदम ग्लोइंग और चमकदार बनती है। तो और इससे काफ़ी फेस जो होता है एकदम क्लीन हो जाता है, चेहरे पे दाग धब्बे रहित हो जाता है, बिल्कुल दाग धब्बे हट जाते हैं फ्रेंड्स। तो ये थे इसके यूज़, मतलब दाग धब्बों को हटाने और मेलाज्मा की जैसी बीमारियों को कम करने के लिए इसका यूज़ होता है फ्रेंड्स। और एक अब इसके बाद ये तो हो गए फ्रेंड्स इसके यूज़, अब बात कर लेते हैं इसके हाउ टू यूज़, मतलब हाउ टू अप्लाई इसके डोसेज फॉर्म, मतलब कैसे इसे अप्लाई करना है। तो फ्रेंड्स, इसको अप्लाई करना है रात्रि टाइम पर, हमेशा रात में यूज़ करें हमेशा, और हमेशा रात में यूज़ करने के बाद, इसे लगाने के बाद धूप से बचें। अगर धूप में जा रहे हैं तो प्लीज़ सनस्क्रीन वगैरह का इस्तेमाल करें, अगर सनस्क्रीन नहीं है तो ऐसे क्लोथ्स पहने, कपड़े पहने जिससे फेस ढका रहे, तो प्लीज़ इसे जब भी लगाएं तो कभी भी धूप में निकल के ना जाएं, हमेशा रात्रि में प्रयोग करें, सुबह को इसे धुल लें, और हमेशा इसका यूज़ हमेशा रात्रि में ही करना जाता है। अगर दिन में करें तो प्लीज़ सनस्क्रीन के भी अप्लाई करें इसको लगाने के बाद, तभी इसका यूज़ करें, बिना सनस्क्रीन के इसका यूज़ बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इससे चेहरा रेडनेस जैसी समस्या आने लगती है। तो फ्रेंड, ये तो हो गया इसके हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है। अब बात कर लेते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में। तो फ्रेंड, इसके तो साइड इफेक्ट भी हैं, इसे लगाने के बाद कभी कभी क्या होता है कि चेहरे पर एकदम रेडनेस हो जाती है, बहुत ज़्यादा चेहरा लाल कलर का होने लगता है, ऐसा लगता है कि यहाँ पे कहीं एकदम जैसे ब्लड टाइप का आ जाता है, और ब्लड से खून छलक जाता है उस हिसाब का, मतलब बहुत ज़्यादा स्किन रैशेस, मतलब ऐसा लगता है कि स्किन छिल गई है और छिलने के बाद लाल हो गई है, तो ऐसा इसका साइड इफ़ेक्ट है। और इसके लगाने के बाद कभी कभी ईचिंग भी होने लगती है, जलन भी पड़ सकती है, अगर ऐसा कुछ लगे तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, जो आपके डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, जो स्किन विशेषज्ञ हैं, उनसे ज़रूर संपर्क करें। उनके बिना संपर्क के कोई भी मेडिसिन या क्रीम का यूज़ बिल्कुल भी ना करें। आई रिकमेंड करूँगा मैं हमेशा डॉक्टर के पास जाऊँ, उनके बाद से मेडिसिन लेने के बाद जब वो बताएं उसके बाद ही इसे अप्लाई किया जाए तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो फ्रेंड्स, ये तो थे कि उस चीज़ के मतलब साइड इफेक्ट, हमेशा डॉक्टर के कंसल्ट के बाद ही लें, रिक्वेस्ट फॉर यू।
हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ बिना डॉक्टर के, बिना पूछे डॉक्टर से, मतलब हमेशा डॉक्टर से पूछ के लें, बिना पूछे कुछ भी मेडिसिन ना लें। तो ये थे फ्रेंड्स इसके कुछ साइड इफेक्ट डोसेस फॉर्म। अब बात करते हैं इसके एक बार प्राइस के बारे में। तो इसके प्राइस क्या है, तो फ्रेंड्स इसके प्राइस हैं 125 रुपये। 125 रुपये में आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगी और सस्ती मिलेगी इससे, ये एम आर पी इसको सस्ता ही मिलेगा। तो किसी भी मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा, काफ़ी फेमस क्रीम है, पुरानी क्रीम है, तो आप इसे लगा सकते हैं और बेस्ट रिजल्ट भी है इसका। तो फ्रेंड्स एक बार ज़रूर बताना ये वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अगर कोई समस्या हो तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करने में कोशिश करूँगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आई हम्बल रिक्वेस्ट फॉर यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स।